हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है समायरा नरूला एंड फैमिली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। बेल आइकन का बटन ऐसा होना चाहिए। होप आप समायरा का बर्थडे वीक एंजॉय कर रहे हैं। 1 सितंबर और 2 सितंबर का व्लॉग आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो दोनों व्लॉग्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाइए देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। आज है 3 सितंबर और हम फिर से जाएंगे बाहर और फिर समायरा के लिए गिफ्ट परचेज करेंगे, तो देखते हैं आज हमें क्या मिलता है और हम कौन सी शॉप पे जाते हैं। तो चलो चलते हैं। हम आए हैं हाइपर मार्केट में और यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे गिफ्ट कलेक्शंस हैं। देखते हैं अगर हमें कुछ पसंद आता है तो हम यहीं से परचेज करेंगे, नहीं तो फिर किसी और शॉप पे जाएंगे। सांस चढ़ गया सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। ये तो डेकोरेशन क्या है सबसे पहले ये बाद में देखेंगे, है ना, पहले गिफ्ट देखते हैं। यहाँ पे है डॉगी वेलकम, डॉगी वेलकम कर रहा है। हाँ, शाम को करेगा समायरा का ये सारे शोपीस हैं लेकिन ये किसी काम के नहीं है समायरा के। बारबीज और कुछ गेम या फिर टॉय देखते हैं हम समायरा के लिए यहाँ से। तो गाइस, हमें हाइपर मार्केट से कोई भी गिफ्ट पसंद नहीं आया था और हम आए थे ये वाली शॉप पे। यहाँ से फाइनली हमने समायरा के लिए गिफ्ट परचेज कर लिया है। अभी जा रहे हैं घर पे, जब समायरा स्कूल से आएगी तो उसको गिफ्ट देंगे, तभी आप देखना जब वो अनबॉक्सिंग करेगी। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं शाम को। इवनिंग हो चुकी है गाइस और समायरा स्कूल से आकर लंच करके थोड़ा सा रेस्ट करके फ्री हो चुकी है और अभी टाइम है सेलिब्रेट करने का 3 सितंबर। तो 2 सितंबर का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में हमें बताइए। रात को इसकी तो टांगे बुरी तरह से दर्द हो रही थी इधर उधर भाग के, तब तो एक्साइटमेंट थी, गिफ्ट ढूंढने की तो पता नहीं चला, लेकिन बहुत फन मस्ती हमने कल की। ऐसे ही फन मस्ती वाले व्लॉग्स हमारे पूरा वीक आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारे सारे व्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। अभी हम करने जा रहे हैं 3 सितंबर सेलिब्रेशन और आज फिर समायरा के लिए एक चैलेंज रेडी किया है हमने, क्योंकि गिफ्ट्स इसको देने से पहले चैलेंज तो बनता है। हमारे लिए भी चैलेंज है कि हम बाहर डेली जाते हैं, इसके लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं, तो इसको भी तो चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहिए ना। Yes. है ना। तो चैलेंज हमारा आज का क्या है, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं और फिर हम चैलेंज प्ले करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे हैं कुछ स्लिप्स और इन स्लिप्स के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। समायरा ने 1 बाय 1 इस स्लिप को उठाना है और इसके अंदर जो भी लिखा होगा इसने अपना चैलेंज कम्प्लीट करना है तो ही गिफ्ट मिलेंगे, अदरवाइज आज के पैसे बच जाएंगे और पनिशमेंट अलग से मिलेगी। हाँ। फेस देखो कैसे हो गया इसका तो करें चैलेंज स्टार्ट। यस। सबसे पहले आपको केक कट करना है। सबसे पहले केक कट करेंगे हम। हाँ, पहले पेट पूजा करेंगे, है ना, फिर एनर्जी आ जाएगी, फिर हम अच्छे से गेम प्ले करेंगे। ओके ओके तो ये है हमारा आज की पेस्ट्री और ये फ्लेवर है बटर स्कॉच। समायरा ने बोला कि इस बार कुछ डिफरेंट फ्लेवर ट्राई करते हैं क्योंकि इसने बटर स्कॉच फ्लेवर कभी भी टेस्ट नहीं किया है। और साथ में है 3 कैंडल्स। चलो कैंडल्स लगा दो आप पहले। एक मिनट हाँ okay. हाँ अब लगाओ। 1, 2, 3 और सितंबर की 3 कैंडल्स। yes. है ना, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। हाँ गाइस, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट इसको हो रही है गिफ्ट्स लेने की और मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कि अगर ये गिफ्ट नहीं ले पाती है, मतलब कि अगर ये चैलेंज हार जाती है तो हमारा गिफ्ट सेव हो जाएगा और कल संडे है वैसे भी और हमें मार्केट नहीं जाना पड़ेगा हम आज वाला गिफ्ट इसको कल दे देंगे, है ना। तो देखते हैं फिर क्या होता है। अच्छा होगा अगर हमारे पैसे बच जाएंगे आज के गिफ्ट के। तो गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आज का होने वाला है, आप व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। देखते हैं समायरा आज का चैलेंज जीत पाती है या नहीं। चलो कैंडल्स ब्लो करो पहले, केक कट करने की पड़ गई इसको। हैप्पी 3 सितंबर टू यू, हैप्पी 5 डेज टू गो। यस, टुडे इज द
5 डेज टू गो, स्मायरा का बर्थडे आएगा, ये प्रिंसेस बनेगी। खाइए गाइस आज का फ्लेवर बटर स्कॉच। हम डेली डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई कर रहे हैं, जो हमें अच्छा लगेगा वो हम केक ऑर्डर करेंगे। इसी बहाने हमें पता लग जाएगा कि कौन सा केक अच्छा है, किस केक का फ्लेवर सबसे ज्यादा अच्छा है। बहुत टेस्टी है, टेस्टी है, क्योंकि मोस्टली स्मायरा का फेवरेट फ्लेवर है ब्लैक फॉरेस्ट, और हमारा है ब्लैक करंट, ब्लूबेरीज टाइप के फ्रूट्स फ्लेवर हमें पसंद है। लेकिन स्मायरा का बर्थडे है तो ऑब्वियसली स्मायरा की चॉइस का केक हमें ऑर्डर करना चाहिए, तो हम इसी के लिए लेकर आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स, जो ये बोलेगी तो वही केक फ्लेवर हम ऑर्डर करेंगे इसके लिए। ओके, सो आर यू रेडी? यस, टू प्ले टुडेज गेम? यस। ओके, इसको हम करते हैं साइड पे, ये ना बेचारा छोटा सा केक है, ये भागे इधर उधर। तो चलो स्मायरा, फर्स्ट स्लिप उठाओ आप अपनी चॉइस की। पर्पल कलर, और इसमें क्या लिखा है? ब्रिंग 3 शार्पनर्स विथ डिफरेंट कलर्स। यस, तो आपको तीनों शार्पनर डिफरेंट डिफरेंट कलर की लेकर आनी है। यस, गो एंड ब्रिंग, हरी अप। ये स्लिप हमने साइड पे कर दी है, और यहाँ से हम देखते हैं कि स्मायरा कहाँ ढूंढ रही है शार्पनर्स। वो देखिए ढूंढती हुई बाहर, हो सकता है पापा ने वो छुपा के रख दिए हैं। बैग्स की तरफ आ गई है स्मायरा। 3 है क्या आपके पास? एक तो है। हाँ, एक तो है, बाकी 2 ढूंढने हैं। कहां से ढूंढेगी? ड्रॉर खोल लिए सारी इसने, उथल पुथल मचा दी है इसने। हाँ, बाद में मेरे लिए काम बढ़ जाएगा, गलत क्वेश्चन लिख दिया मैंने। कितना साउंड कर रही है देखो बाहर। 2 हो गए। ओ माय गॉड, 2 तो ले आइए, एक और ढूंढो जल्दी से। पास में ही पड़ा था कुछ। पिंक, येलो एंड ब्लैक। ओ माय गॉड, फर्स्ट टास्क कंप्लीटेड। इसको एक क्लू दूं? हाँ। हमने आपको गिफ्ट में शार्पनर दिया था। ये उसको उठाना भूल गई, उसी को देख के तो मैंने ये स्लिप बनाई थी। चलो नेक्स्ट स्लिप उठाओ। ओके, विच कलर? ऑरेंज। ब्लू, ब्लू। इस पे क्या लिखा है? ब्रिंग एनीथिंग विच प्रोड्यूस साउंड। ये खुद ही है, इतना साउंड क्रिएट करती है। और इतनी पास में ही पड़ा था ये तो, बस एक ही चीज लानी थी, एनीथिंग। हमारी पंजाबी वेडिंग में ढोल बजता है ना। हाँ, वो देखो डांस भी हो गया। ओके, चलो बढ़ते जाओ। ऑरेंज। ब्रिंग एनीथिंग विच इज ग्रीन इन कलर। ओह माय गॉड, क्या हो गया? ओते। मैंने तो क्या सोच के लिख, ओ बस मैंने एनीथिंग लिखा है, स्मायरा कम बैक। तो वैसे आप देख सकते हो स्मायरा का बैग कितना हैवी है। मैंने पता क्या सोच के लिखा था, बाहर से छोटा सा प्लांट उठा के ले आए। इसने तो कुछ और ही उठा लिया। ओके, तो आप स्लिप साइड पे कर रहे हो ना, जो हो गई है। यस। ओके, चलो स्मायरा नेक्स्ट। पर्पल से शुरुआत करते हैं दोबारा से। ओके, ब्रिंग एनीथिंग विद यूनिकॉर्न थीम। क्या हो गया? कहाँ ढूंढो यूनिकॉर्न थीम? कुछ भी यूनिकॉर्न का लेके आ जाओ आप। वो रहा। क्या है, क्या मिल गया? ये कुछ ना कुछ और ही ढूंढ लाती है। यहाँ पे कहाँ यूनिकॉर्न, पहले दिखाओ। ओ माय गॉड,
मैंने पता है क्या सोच के लिखा था, आपका जो अलार्म है ना क्लॉक छोटा सा, वो देख के मैंने ये स्लिप बनाई थी। इसका तो मुझे आइडिया ही नहीं था, इतना पास में पड़ा हुआ था ये। चलो एनीवे शी कंप्लीटेड द टास्क। यस चलो नेक्स्ट। ब्रिंग एनी ट्रांसपोर्ट टॉय। क्या है आपके पास, है कुछ? क्या हो सकता है? हाँ मेरे पास एक है, अब बाकी मेरे को ढूंढना पड़ेगा। एक ही लेकर आ जाओ आप, बस एक ही लेकर आना है। ठीक है ओके। कहाँ गई, चलते हैं बाहर देखते हैं। तेरा था ना, हमने वो कार चाहिए मेरे को। मैं थोड़ी ना बताऊंगी ये आपको। मिल गया मिल गया। वन मोर टास्क कंप्लीटेड। चलो अंदर नेक्स्ट स्लिप उठाते हैं हम। चलो उठाओ। ब्रिंग एनीथिंग विच कैन बी यूज टू क्लिक फोटो। यस। इसका कल वाला कैमरा गाइस, और आज पूरा दिन इसने इसमें फोटोज क्लिक की हैं, मेरी अपने पापा की और अपनी खुद की सेल्फीज इसने की हैं। ओके और इस कैमरा में बहुत सारे फीचर्स थे। स्माइला एक दो फीचर्स दिखाओ अपनी यूट्यूब फैमिली को। क्या आप कोई भी थीम सिलेक्ट कर सकते हो? इसने कल एक्सप्लोर किया व्लॉग खत्म होने के बाद। ये देखो ये थीम है, अलग अलग फ्रेम्स हैं, फ्रेम के अकॉर्डिंग आप पिक्चर अपनी क्लिक कर सकते हो। ये देखिए बहुत कुछ है इसमें, इतना को हमें भी नहीं मालूम था। हाँ हम तो सिर्फ कैमरा समझ के ले आए थे। बहुत अच्छा है। हैप्पी बर्थडे। हाँ ओके चलो चलो नेक्स्ट। इधर रख दो इसको। पिक द नेक्स्ट स्लीप। ब्रिंग एनीथिंग रिलेटेड टू म्यूजिक। क्या हो सकता है ऐसा? ये तो इंस्ट्रूमेंटल है, यूज कर लिया आपने ना। हाँ ओ आओ गाओ। आपकी हेल्प चाहिए उसमें? हाँ नहीं मैं खुद ही कर लूंगी। ओ बहुत माहिर है। ये पता कब बजाते हैं हमारे पंजाब में? जब बेबी होता है ना घर में तब बजाते हैं ये ऐसे पूरी गली में। यस चलो इसको रख के तो आ जाओ, वॉश किए हुए बर्तन उठा के ले आई है। चलो नेक्स्ट स्लिप उठाओ। थोड़ी सी रह गई है गाइस। ब्रिंग एनी पर्पल कलर कलर सॉफ्ट। अरे कहाँ ढूंढू? स्माइला के पास तो पिंक सॉफ्ट टॉय है, ये ब्राउन है, ये पिंक है और ये ग्रीन था। वो रहा पा पेट्रोल। पा पेट्रोल स्माइला का डॉगी। यस वो वो। चलो नेक्स्ट। मजा आ रहा है ये प्ले करने में। Bring anything which can be used to erase the text. क्या होता है वो? मेरे को पता है। बताओ पहले पहले बताओ फिर लेकर आना। Eraser और duster. मैंने duster तो सोचा ही नहीं था। मैंने खुद eraser ही सोचा था। पांच बज गए हैं guys. दोनों ले आई वो। डस्टर और इरेजर। वेरी गुड वेरी गुड। ब्रिंग एनीथिंग सिल्वर इन कलर। हाँ पापा क्या है सिल्वर कलर का? सिल्वर प्ले बटन। सिल्वर प्ले बटन। Oh my God. मैंने पता क्या सोचा था? Yeah. आपकी जो चांदी की रिंग थी ना टोर्टोइस वाली वो लेकर आएगी। तो कुछ और ही उठा लिया। चलो लगा दो अब इसको। हो गया टास्क कंप्लीट।
ये वाली 4 लेफ्ट. ड्रिंक एनीथिंग विच इज सर्कल इन शेप. क्या लेकर आओगे? अरे सिल्वर ये भी था. सही बात है. मेरी बैंगल भी निकाल दी. मेरी तो शेप ही उल्टी हुई पड़ी है बैंगल की. बट एनीवे शी गेस्ड इट राइट. या सर्कल मैंने क्या सोच के लिखा था बताओ? पता क्या? क्या? प्लेट. इसने बैंगल निकाल लिया. चलो मेरी बैंगल रिटर्न करो पहले. ओके ये दोनों टास्क हो गए ना कंप्लीट. हाँ चलो नेक्स्ट. Bring anything golden in color. मैं वो ला नहीं सकती हूँ पर मेरे पास वो है. मुझे ना तेरा पेन दिखा था गोल्डन कलर का ग्लिटर वाला. मुझे क्या दिखा था? एक्चुअल में मुझे था कि गोल्डन प्ले बटन. अच्छा तो मुझे ना गोल्डन तेरा ग्लिटर पेन दिखा था. मैंने कहा गोल्डन वाला वो मुझे लिख देते हैं. ऐसा लगता था पहले कि स्मायरा जब सिल्वर वाला आएगा तो अपनी बैंगल उतारेगी. अच्छा. और जब ये क्वेश्चन आएगा तो देन शी विल रेफर टू गोल्डन प्ले बटन. अच्छा. ब्रिंग एनी फ्लोरल थिंग. फ्लोरल फ्लोरल क्या होता है? फ्लोरल क्या होता है? फ्लावर क्या होता है जो फ्लावर से रिलेटेड हो? फ्लोरल. फ्लोरल थिंग सोचो सोचो कहां पर हो सकता है ऐसा कुछ. फ्लोरल थिंग नहीं नहीं बस बहुत है. यू डिड इट राइट. लास्ट है. लास्ट इसमें क्या है? ब्रिंग एनीथिंग हूज कलर इज अ फ्रूट. अ फ्रूट. ओके क्या क्या ऑरेंज. ऑरेंज कलर का क्या लेकर आ रही है लड़की वहां से? देखो जरा क्रियोन. ऑरेंज कलर का क्रियोन ले आई. हो गई कंप्लीट? यस. ओह माय गॉड सारे टास्क कंप्लीट. एक भी पनिशमेंट नहीं मिली इसको. हमारा तो पेपर ही वेस्ट हो गया. पनिशमेंट वाला किसी काम ही नहीं आया. यस बट एनीवे शी गेस्ड वेल ऑल द क्वेश्चंस वेरी वेल. या गिफ्ट पार्टी. पार्टी पहले गिफ्ट दो फिर पार्टी लो. अच्छा पार्टी? पार्टी तो पापा से लेनी है आज. क्यों आज क्या है? मैकडी नहीं जानो? कल वाली मैकडी पड़ी है. सुमायरा ने व्लॉग देखा था गाइस. मैकडी वाली बनाना 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 मैकफ्लरी. तो चलो सुमायरा के पापा रूम में सुमायरा के गिफ्ट्स पड़े हैं. जल्दी से लेकर आ जाओ फिर हम सुमायरा को देते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं. तो ये हैं स्मायरा के आज के गिफ्ट्स. टू गिफ्ट्स हैं, एक स्मॉल बॉक्स है एक बिग बॉक्स है. तो सबसे पहले हम स्मॉल वाला ओपन करेंगे. नहीं, okay? बिग वाला. बिग वाला चलो ठीक है आप बिग वाला करो. खोलू? हाँ खोल ही रही है अभी. खोलू? क्या है ये? क्या है ये बताओ आप. स्टार मास्टर ड्रीम रोटेटिंग प्रोजेक्शन लैंप. यस तो अभी हम आपको ये लैंप चलाकर दिखाएंगे कैसे चलता है ये. और ये का तोड़ दिया इसने तो. ओह माय गॉड तोड़ क्यों दिया? क्या कर दिया स्मायरा आपने? अरे ये ऐसे करना है उसको ठंड लग जाएगी चलेगा नहीं वो. ये ढक्कन है इसका. इसमें सेल डालने पड़ेंगे गाइस हमें. और उन्होंने सेल हमें साथ में नहीं दिए थे. वो बोलते कि फिर हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो हमने बोला उनको कि हम अपने आप ले लेंगे. लेकिन हम भी परचेज करना भूल गए. और हम बाहर से अरेंज करके सेल इसमें डालेंगे और फिर आपको ये चलाकर दिखाएंगे. ये देखिए और इसमें कलर भी चेंज होता है और रोटेट भी होता है ये. अभी हम लाइट ऑफ करते हैं इनको. और इसकी जो
रोशनी है और ये जो स्टार और मून बने हुए हैं ये पूरा आपकी वॉल्स पे रिफ्लेक्ट करेंगे, कर्टन्स पे रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लिड है तो हमें उसके लिए लिड को हटाना पड़ेगा। अभी देखिए वॉल देखिए अच्छे से नहीं आ रहा अभी तक, क्योंकि अभी डे है ना, नाइट में पूरा आता है इसका और कलर भी चेंज होता है इसका। देखिए गेट बंद करो तभी आएगा। अभी देखिए आ रहा है ना? यस। और कलर इसका ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, येलो, रेड चेंज होता है और ऊपर देखो स्काई लग रहा है। यस यस यस, अभी अच्छे से आ रहा है ना? यस yes. क्योंकि पूरा अंधेरा चाहिए इसके लिए, अभी इवनिंग yes. है ना? यस yes. तो प्रॉपर से नहीं हो रहा है। जब हमने परचेज किया था तो उन्होंने हमें चलाकर दिखाया था तो हमने भी ये बोला कि पूरा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि ये नाइट के टाइम पे ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि ये नाइट लैंप है। yes. हम जब सोएंगे ना तब हम इसको चला लेंगे। हाँ चला लेंगे हम, सही बात है। चलो इसको बंद करो, बैटरी ड्रेन हो जाएगी। ये था स्माइरा का फर्स्ट गिफ्ट 3rd September का। और अभी ओपन करो, ये हम कुछ डिफरेंट सी चीज लेकर आए हैं इसके लिए। ये है बोट, क्योंकि इसको बोटिंग करना बहुत पसंद है। ये मैं बोल रही थी लास्ट वीक कि मेरे स्कूल की छुट्टी है तो मुझे पौंडेचेरी ले चलो, मुझे बोटिंग करनी है, लेकिन बारिश इतनी यहाँ पे हो रही है डेली बेसिस पे, हम पौंडेचेरी नहीं जा पा रहे थे तो हम इसके लिए बोट घर पे ले आए और अभी हम बोट चलाकर दिखाएंगे आपको और स्माइरा भी यही देखकर खुश हो जाएगी। इसको देख के हम इसको चलाएंगे, बाहर जाना पड़ेगा हमें है ना बेडरूम से। yes. चलो चलते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। हमने बोट को चलाने के लिए यहाँ पे पानी ले लिया है और इंस्ट्रक्शन में उन्होंने लिखा है कि ये जो फिलर है, 2 फिलर पानी के भर के, बोट के पीछे 2 पाइप्स हैं, इसमें पानी फिल करना है, तो हम ये सबसे पहले पानी फिल करने का काम करते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है लाइट द कैंडल, तो ये कैंडल हमारे पास है, इसको हमें जलाना है और इसको बोट के अंदर प्लेस करना है हमें, ऐसे लिखा हुआ है ना? यस yes. ये देखिए पिक्चर भी बनी हुई है। और नाउ वेट एंड विद इन 60 seconds द बोट विल स्टार्ट मूविंग मेकिंग पुट पुट नॉइस। रख दें इसको? यस yes. yes. तो 60 seconds में ये चलना स्टार्ट होगी विद पुट पुट साउंड। तब तक हम वेट करते हैं। कहाँ चलेगी इतनी बड़ी, उड़ के बाहर तो नहीं आ जाएगी? स्पेस इतना सा उसके पास, ये ना सारा दूर हो गई। ये ना पुट पुट करती थी सारा बोट जो चलते है ना, मोटर बोट पौंडेचेरी में। चलने लग गई वो अपने आप। ओह माय गॉड, कैसा लग रहा है बोटिंग करके? तो ये था हमारा आज का व्लॉग और आज के 2 गिफ्ट्स। कौन सा गिफ्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में हमें जरूर बताना। स्माइरा आपको कौन सा अच्छा लगा? ये वाला। और मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, आपको कौन सा अच्छा लगा बताना मत भूलना कमेंट्स में। और अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलना। तो फिर जल्दी मिलते हैं 4 September सेलिब्रेशन व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।